तो जी नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको इस मशीन के मुतल्लिक टोटल पार्ट्स के बारे में मालूमात फराहम करता हूँ। ये मशीन जो मेड इन इटली आपको सामने कैमरे में नज़र आ रही है, तो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स, ये पार्ट्स इलेक्ट्रिक मोटर जो बिजली की मदद से चलती है, इसके नीचे आपको ये नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं एयर सिलेंडर। एयर सिलेंडर जो एयर को सक करता है इन बाकेट में। तो नाज़रीन, इसके साथ ही जब हवा इनके अंदर सक करती है तो जो एयर इसके अंदर इन्वर्ट हो रही है वो इन पाइप्स के ज़रिए इसके अंदर सक करके एयर जमा होती है, और यही एयर इन पाइप से गुज़रते हुए इनके अंदर स्टोर होती है। ये जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं इनको बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर एयर को सक करता है। ये फ्लेक्सिबल पाइप जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ब्लैक और वाइट कलर में, इनके अंदर से होती हुई इन बॉकेट्स में आती है और इन बॉकेट्स में से एयर सक करके इन सिलेंडर में ट्रांसफ़र होती है। इस सिलेंडर को चलाने वाली ये इलेक्ट्रिक मोटर बिजली पर मूव करती है, और इस टोटल मशीन के ये आपको फ्रेम नज़र आ रहा है, रेड कलर के जो पाइप आपको नज़र आ रहे हैं ये इनको बोलते हैं फ्रेम। जी नाज़रीन, ये फोर क्लस्टर जो आपको स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ, इन फोर क्लस्टर को आपने जब भी कॉक की चॉई शुरू करनी है तो उनके फोर अडर्स पर चिपका देना है। उसके बाद जब आप जैसे ही चॉई शुरू करेंगे तो एयर जो सक करती है वो एयर की जगह मिल्क आना शुरू हो जाएगा। मिल्क इन अडर्स के ज़रिए होता हुआ इस पाइप में से मूव करके इन बाकेट्स में आएगा, और यहाँ से एयर के ज़रिए एयर इनको सक करके इसके अंदर मिल्क को स्टोर करेगी, और तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर एक गौ की चॉई मुकम्मल हो जाएगी। अगर गौ का दूध ज़्यादा मकदार में है, कम से कम 15 से 16 लीटर है, तो उसकी मशीन की रफ़्तार आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जानवर की चॉई के दौरान आप मशीन की रफ़्तार कितनी रखें ताकि बआसानी बगैर तकलीफ दिए आप उसकी चुआई कर सकें। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में एक जानवर की चुआई मुकम्मल हो जाएगी। और इस मशीन के कुछ और भी खूसियात हैं जो अभी मैं इसको आपको इसके बारे में बताता हूँ, आप हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, इसके मतलब और भी मालूम आपको फराहम करता हूँ। तो जी नाजरीन, अभी मैं इसके मतलब आपको आगे बताता चलूँ कि इसकी प्राइस के मतलब, इसमें 3 से 4 क्वालिटी की मशीनें आती हैं, इसमें चाइना की, जापान की और इटालियन। सबसे लो कीमत पर आपको चाइना की मशीन मिलेगी जिसकी कोई गारंटी नहीं है, और सबसे हाई क्वालिटी जो है वो इटालियन है। इटालियन में आपको बताता चलूँ कि ये सिंगल बकेट मशीन जो है वो आपको तकरीबन 1,10,000 से लेकर 1.5 लाख तक की रेंज में आप परचेज कर सकेंगे, और जो डबल बाकेट है उसकी लागत तकरीबन 1.5 लाख से 1,70,000 के करीब आप इसको परचेज करेंगे। और चाइना की जो मशीन है सबसे पहले तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो आपको सिंगल बकेट जो है वो 50,000 से लेकर 70,000 तक आप परचेज करेंगे, और डबल बकेट जो है वो आपको 90,000 के करीब परचेज कर सकते हैं। और इसकी प्राइस बताइए। अगर आपको इस वीडियो के मुतालिक कुछ और भी मालूम जाननी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का आधार ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो में अपना लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपकी कमेंट की वजह से हमारे हौसले बुलंद होते हैं,
और हम आपको आपके नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके टॉपिक के मुताबिक मुकम्मल मालूम फराहम करते रहेंगे। तो जी नाज़रीन, अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अपनी खुशी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हमको नासिर हो। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।